राजीव राज साहब से अगर न सुना जाएगा तो हम लोगों के हालात भी खराब हो सकते हैं, इसलिए मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि राजीव राज साहब चंद अशआर से नवाज दें। देखिए हजरत, हमारा मामला तो हिट हो चुका है और मैं पहले शुक्रिया अदा कर दूँ अपने इस शहर के, इतने सारे लोग इतने भारी मजमे में इस मुशायरे को उन्होंने कामयाब बनाया। मैं अपने मेहमानों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि हमारी अदना सी दरख्वास्त पे सब लोग आ जाते हैं, हमारी इज़्ज़त बढ़ाते हैं, हमारी कमेटी की इज़्ज़त बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये चार मिसरे मैं हाजिर कर रहा हूँ और केवल दो शेर आपकी खिदमत में। जी हाँ, जाऊँ हम तो ऐसे ही सब काम अपना हो चुका है। नजर में होने वाला हादसा रखना जरूरी है, नजर में होने वाला हादसा रखना जरूरी है, हमें अपने लिए एक आईना रखना जरूरी है, हमें अपने लिए एक आईना रखना जरूरी है। ताल्लुक टूटने का गम हमारी जान ले लेगा, ताल्लुक टूटने का गम हमारी जान ले लेगा, मोहब्बत में जरा सा फासला रखना जरूरी है, मोहब्बत में जरा सा फासला रखना जरूरी है। और हजरत, केवल एक मतलब दो शेर आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। हमारे बड़े भाई राहत साहब वसीम भाई, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो बहुत ही वसीम भाई तो हमारे बीमार थे लेकिन चले आए। दोस्तों, एक मतलब दो शेर में हाजिर कर रहा हूँ केवल। कुछ अमन के शैदाई जब घर से निकलते हैं, ये सेटिंग का मामला देखिए है सब, चाचा सियासत में ही नहीं ये सब होता है, यहां भी होता है, ऐसा नहीं है। ये केवल सियासी लोग नहीं, सब काम जानते हैं। कुछ अमन के शैदाई जब घर से निकलते हैं, कुछ अमन के शैदाई, कुछ अमन के शैदाई जब घर से निकलते हैं, जहरीली हवाओं का कुछ अमन के शैदाई जब घर से निकलते हैं, जहरीली हवाओं का वो रुख भी बदलते हैं, पहली हवाओं का वो रुख भी बदलते हैं। और ये शेर में बतौर खास किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कसम खा के कहता हूं, ना मेरा इशारा कहीं है, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूं, मैं शेर हाजिर कर रहा हूं। इन अकल के अंधों को, इन अकल के अंधों को एहसास नहीं होता, इन अकल के अंधों को, इन अकल के अंधों को एहसास नहीं
چہرے پہ خراش ہے، آئینہ بدلتے ہیں، چہرے پہ خراش ہے، آئینہ بدلتے ہیں، چہرے اور مقطع حاضر کر رہا ہوں حضرات، چہرے پہ باتوں کی، ہم ادھر دیکھ ہی نہیں رہے سر، ان عقل کے اندھوں کو احساس نہیں ہوتا، چہرے پہ خراش ہے، آئینہ بدلتے ہیں۔ اور دوستوں اسے اس مشاعرے کے نام، یہ آخری یہ مقطع میں حاضر کر رہا ہوں، باتوں کی روانی تو، باتوں کی روانی سے یہ ابلاز یہ لگتا ہے، یہ شعر میں بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، باتوں کی روانی سے اے راز یہ لگتا ہے، باتوں کی روانی سے اے راز یہ لگتا ہے، شہرت سے میری یارو، شہرت سے میری یارو، احباب بھی جلتے ہیں، شہرت سے میری یارو، باتوں کی روانی سے اے راز یہ لگتا ہے، شہرت سے میری یارو، احباب بھی جلتے ہیں۔ اور حضرات بطور خاص اپنے کپتان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، دوستوں اتنے شوقین کی کوئی بھی مشاعرہ ہوتا ہے، ہمارے کپتان صاحب پوری رات اسی طرح دیکھے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، مشاعرے میں آنے کا، ان کا سننے کا اور ہمارے شاعروں کا حوصلہ بڑھانے کا بہت بہت شکریہ۔